जिला सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र में उपचुनावों के लिए हो रहे मतदान में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह 8 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। इस दौरान कोविड नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया गया था। गौर हो कि जिला सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस भाजपा सहित एक निर्दलीय उम्मीदवार के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीनों में कैद हो गया है। अर्की विधानसभा क्षेत्र में 91,884 मतदाता है, जिनमें से 46,483 पुरुष मतदाता है, वहीं 45,401 महिला मतदाता है। लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा विधायक चाहिए जो उनकी स्थानीय समस्याओं का निदान कर सके, साथ ही बेरोजगारी के मुद्दे को विधानसभा में उठा सके। और युवा मतदाताओं ने कहा कि जिस क्षेत्र में वे पढ़ाई कर रहे हैं उसी क्षेत्र में उन्हें रोजगार प्रदान करने वाला उन्हें नेता चाहिए। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। वोट दिया क्योंकि ये मेरा अधिकार भी है और ये मेरी ड्यूटी भी है। अगर मैं वोट नहीं करूंगी तो हम लोग कैसे, किस तरीके से लोगों को चुनेंगे। मैंने वो इसलिए कास्ट किया है। और दूसरा कि मैं चाहती हूँ कि जो हमारा ये क्षेत्र है, कुनिहार है, इसकी उन्नति और होती रहे और प्रगति के पथ पर ये बढ़ता रहे। और मैंने मतदान किया कि हमारे गांव में या हमारे शहर में जो काम प्रगति के वो चलते रहे। मुद्दे हमारे कोई सिर्फ हमारे डेवलपमेंट के ही मुद्दे हैं जी, हमारा कोई ऐसा कोई विशेष मुद्दा है नहीं जी, कि हमारे गांव का विकास होता रहे, कोई अच्छा कैंडिडेट आए और हमारे गांव के जो आगे भी जो जैसे विकास कार्य चले वो आगे भी चलते रहें। मेरा नाम आरुषि ठाकुर है और आज मेरा फर्स्ट वोट था। मैंने इन मतों को याद रखते हुए वोट किया है कि आगे जब हम अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं तो हेल्थ के रिगार्डिंग मैं चाहती हूँ कि अच्छे अच्छे कदम उठाए जाए, क्योंकि मैं भी खुद एक हेल्थ प्रोफेशन से हूँ। मैं बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि बीएससी नर्सिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप्स हो नर्सेज के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीट्स मिले और उनकी प्रमोशन के रिगार्डिंग भी, ताकि अच्छे से अच्छे कदम उठाए जाए। मुझे तो यही है कि आगे हम जाके हमें अच्छी से अच्छी जॉब मिले, अच्छे से गवर्नमेंट अच्छे से जॉब्स निकाले। और हार्डकोर पंचायत से हूँ और हमने आज अपना मतदान किया क्योंकि किसी वजह से हमारे पहले विधायक थे बेचारे, उनका स्वर्गवास होने के कारण उपचुनाव किया गया, इसलिए हमारे को ये मौका दोबारा से मिला। हर नागरिक का कर्तव्य है वोट डालना, इसी तरह इस वोट डालना जरूरी है। एक तो महंगाई कम होनी चाहिए और पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए।